अभी तक हम अपने पापा को नहीं बताया कि मेरा चैनल चला गया है। पापा हमारे मुंबई में है। जब एक एक लाख सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हम कॉल करके उनको बता देते हैं कि आपका बेटा कुछ कर रहा है। मेरे दोस्त, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिनी ब्लॉग करते हैं और मिनी ब्लॉग करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाएंगे जो कि अपने एरिया के टॉप क्रिएटर में आते थे और मिनी ब्लॉग करके बहुत सारा पैसा कमाते थे, लेकिन अचानक से इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ जिस वजह से 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल इनका बर्बाद हो गया। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, मिनी ब्लॉग को स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें होने वाले कुछ गलतियां, कुछ टिप एंड ट्रिक्स, कैसे बनाया जाता है और कैसे अपने चैनल को बचाया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में कवर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो और आपके चैनल का क्या नाम था। देखिए, मेरा नाम जय सैफी है एंड मेरे चैनल का नाम है जय सैफी ब्लॉग। है तो नहीं, था बोल सकते हैं, क्योंकि 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर थे एंड किसी ने फेक स्ट्राइक मार के वो चैनल डिलीट करवा दिया। अच्छा, तो इनके चैनल पे देखो स्ट्राइक कैसे पड़ता है और इन्होंने क्या मिस्टेक किया, उन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आप मिनी ब्लॉग जब स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो अभी कितना सब्सक्राइबर था आपके चैनल पे टोटल? टोटल देखिए ऑलमोस्ट 16.5 लाख के आसपास में सब्सक्राइबर थे एंड अभी जिस न्यू चैनल मैंने बनाया जिसपे अभी 9000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अच्छा, तो वो जो मिनी ब्लॉग आप बनाते थे, तो कितने वीडियो बनाने के बाद या फिर कितने वीडियो कहें अपलोड करने के बाद आपका ये 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर? देखिए, वैसे वहाँ पे 112 वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब एक होता है ना लिस्ट निकलता है कि आप कितने ज्यादा फास्ट ग्रो किए हैं चैनल को, तो अक्टूबर के महीने में हमने एक महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए थे एंड वर्ल्ड वाइड 332वें नंबर पे थे, हमारा चैनल था 332वें नंबर पे फास्टेस्ट ग्रोइंग में। अच्छा, सबसे तेज ग्रो होने में 322वें नंबर आपका था। चलिए, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मिनी ब्लॉग कैसे बनाए, ठीक है, क्योंकि अभी आप भी मिनी ब्लॉग पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, अभी भी आप मिनी ब्लॉग का चैनल ही ओपन कर लिए और आप बहुत तेजी से उस चैनल को भी ग्रो कर रहे हो, तो अभी हम बात करेंगे जो मिस्टेक है उनके बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ जो हमारे व्यूअर हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम मिनी ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे मिनी ब्लॉग बनाया कैसे जाता है, फिर बात करेंगे आपके उस प्रॉब्लम के बारे में क्या हुआ और नए जो यूट्यूबर हैं उनको क्या ध्यान धरना है। क्योंकि लोग स्टार्टिंग में ना क्या करते हैं, केवल ग्रो के चक्कर में पड़े हैं, जल्दी ग्रो हो जाए, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए, जल्दी व्यू जाए, लेकिन ये पता नहीं कि किसी चीज़ को जब आप बड़ा कर लोगे तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने चैनल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, छोटी सी मिस्टेक से आप मिलियन सब्सक्राइबर बना लो और आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। तो पहले बताइए कि आप मिनी ब्लॉग जैसे मान लो कोई स्टार्ट करना चाहे तो कैसे करेगा। देखिए, बहुत तरीके से मिनी ब्लॉग आज के टाइम में आप देखोगे कि इंडस्ट्री में चल रही है, यूट्यूब शॉर्ट इंडस्ट्री में दो तरीके के मिनी ब्लॉग आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। एक वो जो कि डेली ब्लॉग बना रहे हैं, जो कि फैमिली में है, मान लो मेरे फैमिली में 5 जन है, छोटा बच्चा से लेके बड़े से लेके जो भी है, फैमिली को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड एक जो स्ट्रांग फैमिली बन रही है उसके बाद लोग व्यूवर्स बढ़ जा रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, व्यूवर्स के भी फैमिली में मम्मी है, हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड दूसरा तरीका है कॉन्टेंट। अब मान लो कि हम आईफोन लेने जा रहे हैं, चाहे मान लो ये मैंने माइक है, ये माइक लेने गया, ठीक है, मैंने इसको कैसे मंगाया, कहाँ से मंगाया, पैसे कहाँ से आए, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके एक स्टोरी टेलिंग बना के उस चीज़ को पोस्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में लोग ये गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि एवरेज रिटेंशन क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, टाइमिंग क्या होती है। तो देखो, अगर आपको सच में अगर ग्रो करना है, फास्ट ग्रो करना है अपने शॉर्ट चैनल को, अपने मिनी ब्लॉग के थ्रू, तो मैं ये बोलूँगा कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट होके काम करिए एंड मेहनत करिए। देखिए, बहुत लोग होते हैं कि नाउ द टाइम परे रहते हैं कि जैद भैया आज के टाइम में भी बहुत मैसेज आते हैं कि थोड़ा प्रमोट कर देते तो मेरे मोनेटाइज हो जाता, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। चाहे हमारे रोहित भाई है, उनके पास भी मैसेज बहुत सारे आते होंगे इंस्टाग्राम पे कि रोहित भाई आप थोड़ा प्रमोट कर दीजिए तो मेरा ग्रो हो जाएगा चैनल। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको भाई, तो ये करना है कि आपको मेहनत होके काम करना है, कंसिस्टेंट होके डेली काम करिए, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको वो मुकाम मिल जाएगा, ठीक है। अगर आज के टाइम में अगर ग्रो करना है तो आप यही करिए कि कंसिस्टेंट होके काम करिए एंड दूसरा अपने आप से हॉनेस्ट रहिए। जो चीज़ें आप मेहनत कर रहे हैं ना, जिस चीज़ पे आपको लगना चाहिए कि हाँ हम अपना 100% दिए हैं, ताकि कल को रिग्रेट ना हो कि हाँ काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो आज वहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते या फिर 1 मिलियन हो जाते। तो ये चीज़ें हैं। सही बात है, आपने बहुत सही कहा है। जैसे एक कन्फ्यूजन हमारे दिमाग भी चलता है, एग्जाम्पल में मैं एज अ व्यूअर के दिमाग से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो हम मान लो अगर आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में जो
कंफ्यूजन होता है कि हमें किस पार्ट को, मतलब एक दिन में जो पार्ट होते हैं वो किस पार्ट को एक वीडियो में कवर करना है, या फिर एक ही पार्ट को दो तीन वीडियो बना सकते हैं। मतलब एग्जांपल में जैसे मैं बताऊं तो लॉन्ग ब्लॉग हम बनाते हैं, तो भाई जैसे सौरव जोशी है वो सुबह से शुरू करते हैं, रात शाम तक जो भी हुआ वो सब कवर कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में क्या ऐसा होता है, या फिर आप किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को कवर करते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं जा रहा हूँ आईफोन लेने, तो क्या यहाँ से आईफोन तक की दिखाएं या फिर पूरी डे बाय डे एक दिन का दिनचर्या? देखिए वही हम बोल रहे हैं ना, दो तरीके से आजकल चल रही है मार्केट में। एक तो चल रही है कॉन्टेंट, अगर हम आईफोन लेने जा रहे हैं तो उसमें हम आईफोन को ही पूरा पकड़ के रखेंगे, क्योंकि देखिए शॉर्ट में रिटेंशन कम हो जाता है ना व्यूवर्स का, थोड़ा सा भी अगर बोरिंग टाइप का दिखे वो स्वाइप कर देंगे। तो स्टार्टिंग से ही पीक 3-4 सेकंड में कुछ ऐसा हाइप बना के रखो कि ऑडियंस रुक जाए। अब मान लो कि अगर हम आईफोन लेने जा रहे हैं तो उस तरीके से अगर नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो मे भी नहीं चलेगा, लेकिन आज हम जा रहे हैं अपने यूट्यूब मनी से आईफोन लेने, तो लोगों को लगेगा भाई यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हो गए कि यूट्यूब पे ऐसे आईफोन लेने जा रहा है, समझ रहे हो? तो एक ये हो गया, तो आप एक ये तरीके से कि हाँ जा रहे हो तो उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करें। एंड दूसरा हो गया कि फैमिली, हम बोले ना कि सौरभ जोशी कैसे दिन से लेके रात तक रिकॉर्ड करता है, आप उस चीज़ को भी कर सकते हो। रोमर अमित करके है, बहुत सारे ऐसे है मिनी ब्लॉग कर रहे हैं जो कि फैमिली में दिखा रहे हैं सुबह उठने से लेके वो कैसे कैसे वो अपना दिन ख़त्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर फैमिली के साथ कुछ भी कर रहे हैं या फिर बाहर निकल के कुछ सामान लेने ही चले गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अच्छा, तो अब बात करते हैं जैसे पर डे एक मिनी ब्लॉग को कितना अपलोड करना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल में हम 3 मिनी ब्लॉग अपलोड करें, 4 मिनी ब्लॉग अपलोड करें, या फिर एक ही मिनी ब्लॉग अपलोड करें जल्द से हमारा चैनल तेजी से ग्रो हो। देखिए तो क्या बेस्ट होता है? देखिए हम बताते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। स्टार्टिंग में लोग ना पैशनेट होके काम करते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपको जुनून रहेगा, एकदम सर पे रहेगा कि अरे वीडियो बनाना है, कुछ भी बना के डाल देते हैं। एंड हम बोलते हैं कि कुछ भी बना के डालो, सही चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि आपको डेली कंटेंट नहीं मिलेगा मिनी ब्लॉग में, तो आप डालते रहो एंड लोगों से कनेक्टेड करते रहो। ठीक है, अगर कुछ भी बना के डाल रहे हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी बना के डाल दो, कंटेंट ही बनाओ जो बना रहे हो आप। तो आप ये कर सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा हम बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि जिसे क्या था यार, मैं भूल गया ये तो मोहमय हो गया। अच्छा हाँ, पर डे कितना ब्लॉग अपलोड करना चाहिए? पर डे अगर आप एक वीडियो डाल सकते हो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं डाल सकते हो तो एक दिन गैप लेके आप डालो। ठीक है, एक दिन गैप लेके भी चलेगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग के दिनों में पर डे वीडियो डालता था। 30 दिन में 30 वीडियो का चैलेंज ले लो, कसम से बोल रहे हैं वो वीडियो उठेगी। वो 30 में से अगर 5 वीडियो भी उठ गई आपका चैनल रन करेगा। कंसिस्टेंट होके काम करिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 वीडियो डाल रहे हो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। एंड इसमें भी कंटेंट मेरा कैसा था कि हम डेली भी बनाते थे, जैसे कि फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाते थे एंड कंटेंट जैसे मिल गया, जैसे कि अभी बुलेट लेने देखने गए थे तो वो भी एक कंटेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती है ऑडियंस को कि हाँ ठीक है, यूट्यूब से पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो लोग ना देखना पसंद करते हैं। तो आप दोनों मिक्स करके चलो, कंटेंट भी बनाओ एंड फैमिली को भी रिप्रेजेंट करो। सही बात है। चलिए, तो जैसे क्या होता है कि आप पूरी तरीके से जैसे वीडियो शूट कर लेते हो, अब बात करते हैं एडिट के बारे में, तो जब वीडियो शूट कर लेते हो तो क्या जैसे उसी टाइम आप लोग वॉइस ओवर देते हो, या फिर अलग आराम से बैठकर पूरी वीडियो को सीरीज बाय सीरीज एडिट करने के बाद आवाज देते हो, कैसे करते हो? देखिए वॉइस ओवर की बात करी जाए तो हम वॉइस ओवर करते हैं वीडियो को शूट होने के बाद, मतलब पूरी वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो गई उसके बाद हम वॉइस ओवर करते हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर मान लो कोई रफली माइंड में आ रहा है तो पहले स्क्रिप्ट बन जाता है, उसके बाद एक्टिंग हो जाती है उस हिसाब से। ठीक है, एंड अगर उस चीज़ से नहीं है, जैसे होता है ना, हम बताया कि जैसे कंटेंट बना रहे हैं एंड यूए बना रहे हैं, कंटेंट में कैसा होता है अगर स्क्रिप्ट पहले बना लिए, कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है, जैसे अभी मेरे चैनल के साथ ये हो गया था प्रॉब्लम, तो अभी जैसे मैंने एक मिनी ब्लॉग बनाई थी तो वो स्क्रिप्टेड थी, मैंने पूरा प्लान किया कि कैसे कैसे ऑडियंस को दिखाया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि देखिए आप मान लो उस टाइम में हम इतना डिप्रेस थे ना रोहित भाई कि वो हम चीज़ मतलब एक्टिंग के थ्रू ही बता सकते हो। उस टाइम में इतना हिम्मत नहीं था कि सामने कैमरा ऐसे पकड़ के हम रिकॉर्ड करें उस चीज़ को, आदमी टूट गया था। 2 दिन तक तो हम घर से नहीं निकल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सही बात। चलिए, ये तो हो गया हमारे व्यूवर्स के लिए कुट टिप एंड ट्रिक्स। अगर वो मिनी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, जो हर एक यूट्यूबर चाहे मिनी ब्लॉग बना रहे हो चाहे फैक्ट बना रहे हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है गुरु तो यह जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपका चैनल डिलीट कैसे हुआ और आपको उसमें मिस्टेक क्या लगती है। देखिए मिस्टेक की बात करी तो आज के टाइम में देखिए लोग क्या करते हैं, जब आपका चैनल ग्रो होने लगता है ना तो आपके जो मेल होते हैं ना, आपने जो अपना बिजनेस मेल दिए होते हैं तो बहुत सारे मेल आते हैं, प्रमोशन से रिकॉर्डिंग स्कैम वाला बहुत सारे आते हैं।
तो मेरे साथ एक सीन हुआ था एंड कुछ दिन पहले अंकित भाई और पुरिया के साथ भी हुआ था। अभी जस्ट शिवम भाई उनसे मिले थे, तो हम शिवम भाई हमारे ही एरिया के हैं, हमारे ही शहर के हैं, तो हम उनसे मिलने गए थे 2 दिन पहले। तो वो बोले थे कि आपके जहाँ जो सीन हुआ है ना, वो अंकित भाई के साथ भी हुआ है, वो क्या नाम है उनका, राम राम भाई सारे आने वो वाले अंकित भाई, तो उनके साथ भी सीन हुआ था। वो क्या किए थे, अनवांटेड लिंक पे क्लिक कर दिए थे, जिससे हुआ क्या कि वो जो सामने वाला हैकर है, उस टाइम में कुछ नहीं हुआ था जब क्लिक किए थे, अगले दिन उनके साथ ये हो गया कि वो जो चैनल है, वो चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस पता नहीं कैसे मिल जाता है, लेकिन मिल जाता है एंड मिल भी गया था उनको, उनका बिटकॉइन का एक्सेस चल रहा था। एंड मुझे भी लगता है कि मैं आज के टाइम में बहुत सारे आते हैं मेल, लाइक भर भर के मेल आते हैं, तो हम भी ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि ब्रांड से डील करना होता है अगर पैसे कमाने हैं, तो शॉर्ट वाले तो उतने पैसे देते नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम भी लगता है कि गलती हमारे से हुई है, तो अनवांटेड लिंक पे क्लिक करके हुई है, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। अगर ठीक है, तुम पूरा प्राइवेट रखो पूरा चीज़ें, अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस है तो हो सकता है तुम्हारे पास अगर लैपटॉप है चाहे कोई और फ़ोन है उसमें लॉगिन करके रखो, जिसमें तुम्हारा मदर आईडी है, मदर चैनल वाला आईडी है, उसमें कभी भी अपना बिजनेस मेल को चाहे बिजनेस मोबाइल नंबर को वहाँ पे नहीं रखना, मतलब पर्सनल रखना है हर एक चीज को। किसी भी अनवांटेड लिंक पे, चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे ईमेल पे है, कहीं भी लिंक मत करना, क्लिक मत करना है कहीं। हाँ। आज के टाइम में कैसे हो गया, स्कैमर सब भी समझ गए हैं कि जो है क्रिएटर लोग वो चलाक हो गए हैं, तो वो हमेशा नया नया चीज ढूंढते रहते हैं कि अब किस तरीके से किया जाए कुछ ये सीन स्कैम वगैरह, समझ रहे हो, तो वो भी अपना नया नया तरीका ढूंढ निकालते रहते हैं कि अब ठीक है ये चीजें इनको पता चल गई, कुछ और कैसे करते हैं। तो ये है, वही कह रहे हैं, जिसको जो करना होता है वो करता भी। हमें लोग पास बहुत सारे ईमेल आते हैं, अगर मैं देखूंगा तो कुछ ईमेल लगा भी दूंगा, बहुत मैं आपको $500 दूंगा, $1000 दे रहा हूँ, मतलब पहले ही पैसा के बारे में बात हो जा रहा है। कुछ तो इतना फेक होते हैं, एकदम जेन्युइन लगता है। यही बात है, इसी में आदमी फंस जाता है। हाँ, तो इसके लिए जितने भी यूट्यूबर, अगर अभी तो चैनल नहीं चल रहा है जिनका, कोई बात नहीं है, जिनका चलने लगा हो तो उनसे निवेदन कि आप हमेशा 2 मोबाइल का यूज करिए। एक मोबाइल में आपको अपना केवल चैनल और चैनल का आईडी डालना है बस, दूसरे मोबाइल में आप ये गुड़ा गणित व्हाट्सएप फेसबुक दोस्तों के पास जो लिंक है ईमेल है वो सब कुछ दूसरे मोबाइल में करिए, अपने जो उसमें चैनल है उसमें पूल कर भी कोई भी लिंक क्लिक मत करो। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे आपका जब चैनल हैक हो गया तब उसमें डिलीट कैसे हुआ, क्या रीजन था? देखिए, डिलीट होने का रीजन है कि AI Plex जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बेंगलोर में उनका ब्रांच है, वो प्राइवेसी कंपनी है। तो मेरा ना बिग बॉस का लाइव चल रहा था ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग वहां पे लाइव देखे थे, एंड उनका कहना था कि आप लाइव मत करो। मतलब सुबह उठे तो देखे कमेंट पूरा भरा हुआ था इंस्टाग्राम से लेके कि आप लाइव क्यों कर रहे हो, चैनल उड़ जाएगा। तो उसके 1-2 घंटे बाद 9:30 बजे के आसपास में यूट्यूब की तरफ से वो टेकडाउन वाला स्ट्राइक आता है, एंड एक बार में 3-3 स्ट्राइक आए हैं। एक मेरे बहुत पहले AI Plex क्या है कि वो आज के टाइम में कहते हैं प्राइवेसी कंपनी है, वो जैसे कि बॉलीवुड से लेके चाहे कोई भी टीवी सीरियल वगैरह है उनको प्राइवेसी देते हैं कि हम आपका ये जो थर्ड आपका जो ये कंटेंट है किसी और को यूज़ करने नहीं देंगे, अगर कोई और यूज़ करेगा तो हम उसको स्ट्राइक देंगे। तो वो ना टीवी वाले से, वो जो बड़े बड़े बॉलीवुड वाले हैं उनसे पैसे लेते हैं AI Plex वाले कि आपका कोई कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट यूज़ ना करें। तो मैंने अभी बिग बॉस OTT आया था तो उस टाइम में मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी बिग बॉस के ऊपर जो कि अच्छे खासे व्यूज़ गई थी, लेकिन ये दोनों वीडियो पे जब स्ट्राइक आई ना तो मैंने उनको पर्सनली मेल भेजा था कि देखिए आपने ये फेक स्ट्राइक भेजी है, मेरा चैनल ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे चैनल पर हैक हुआ है, मेरे चैनल को नहीं पता कि क्या हो गया। एंड अगले ही दिन वो वीडियो जो मैंने रोज वीडियो बनाई थी उस पर भी स्ट्राइक आ जाती है, मतलब कि 1 घंटे के अंदर में स्ट्राइक उस पर भी आ जाती है। एंड मेरा चैनल वो मतलब 7 दिनों का जो होता है ना रिमेनिंग टाइम कि 7 दिनों के अंदर में आप प्रूफ करो या फिर काउंटर करो या फिर उनसे बात करो AI Plex से कांटेक्ट करके एंड उनको बोलो स्ट्राइक हटवाए वरना हम आपका चैनल टेक डाउन कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। एंड यही सारी चीज़ें हुई, 7 दिन के बाद मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। अभी 5 फरवरी को मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया एंड बहुत लोग थे एंड चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। सही बात है, देखिए यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर हैं वो समझ पाएंगे कि जब कोई बंदा अपनी मेहनत से अपनी लगन से चैनल को क्रिएट करता है, रात दिन करके वीडियो बनाता है और बिना गलती से, इनका एक लिंक कह लें कि एक छोटा सा मिस्टेक, बस किसी लिंक पे क्लिक कर दिए होंगे स्पॉन्सर के चक्कर, वो एक मिस्टेक से ये अपने चैनल से हाथ धो बैठे। तो जितने भी व्यूअर हैं यार, एक यूट्यूबर के नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी करें, ठीक है, जिस एग्जाम्पल में 2 चीज़ आपको करना है, पहली चीज़ तो क्या है, अपनी मोबाइल में अनवांटेड लिंक को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ आप और कर सकते हो कि अब इनके हाथ से जो है ढेला तो छूट गया है,
ठीक है, मिस्टेक उनकी हो गई, इस मामले में यूट्यूब भी कुछ नहीं कर रहा है। तो एक यूट्यूबर कम्युनिटी होने के नाते मैं इनके नए चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, ठीक है, जाके आप लोग इन्हें सपोर्ट करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो किसी का, जैसे कि देखो एक यूट्यूबर का कहें तो पूरा का पूरा जब वो कमाने लगता है वो बंदा, तो पूरा फैमिली एक उस बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि यार वो बंदा अब कमा रहा है। लेकिन एक अगर वो चीज़ बंद हो जाए तो सोचो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो भाई जितने भी नए लोग हैं यार जाके सपोर्ट करिएगा इनके चैनल को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे वो वाला चैनल आपका था जो ब्लॉगिंग वाला, उससे अर्निंग कितना होती थी यार महीने? देखिए महीने का मतलब अच्छे खासे, क्योंकि अपना लॉन्ग वीडियोस भी चलता था, तो आप ऐसा था कि आप एक आईफोन के आसपास में ले सकते थे, 50+ भी हो जाते थे। वो कैसे है ना, व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है वो जो अर्निंग होती है ना, शॉर्ट में उतनी अर्निंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी शॉर्ट के साथ मेरा लॉन्ग भी था तो अच्छे खासे अर्निंग होते थे, मतलब 50+ ही होता था जो भी था। हाईएस्ट मेरा आया हुआ है 80 के आया हुआ है एक मंथ का, मतलब 80,000 रुपए आपका एक एक महीने का आया है। जब आप YouTube स्टार्ट किए थे तो प्रॉब्लम क्या क्या आई, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? YouTube स्टार्ट किए तो प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं है कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, उनको एल्गोरिथम नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि हाँ हम कब वीडियो डालें, उनको ये नहीं पता है कि हाँ वॉइस ओवर कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है। तो हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि नाउ द टाइम, अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी सीख के नहीं आता है माँ के पेट से, वो धीरे धीरे ज़िंदगी में लड़ता है, सीखता है, तब जाके ग्रो होता है। तो आपको भी सीखना है, एक पैशन होती है करने की, एक चाहत होती है कि नेम फेम चाहिए, लोग हमें भी पहचाने, लोग मेरे साथ भी फोटो ले, तो वो सारी चीज़ें होती है। आपको उस चीज़ का डेडिकेशन वो वहाँ पर उतारना होता है। एंड आप ये सोचोगे कि कुछ 2 साल हम YouTube पे ट्राई किए नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, तब तो आप भाई ग्रो कर ही नहीं पाओगे ना। तो वो तो वही बात हो गई कि आप एक साथ दो डेंगी पे सवार हो एंड सोच रहे हो कि इस पार ना तो उस पार चली जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। सही बात। जैसे जब आप YouTube स्टार्ट किए तो उतने मोबाइल और जो चीज़ें होती हैं माइक मोबाइल, ये सब कौन सा था आपके पास, था कि आपने ऐसे जुगाड़ से काम किया था? हम बताते हैं, अभी ये जो आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, आप पीछे स्टूडियो देख रहे हैं, ये सारा मैंने YouTube पैसे से बना के रखा है। YouTube पैसे से मैंने ये सारा चीज़ें किया है। ये जो माइक हाथ में देख रहे हो 30,000 का DJI का माइक है, मैंने YouTube से लिया। ये सामने ब्लू यति की माइक है, ये भी मैंने YouTube के पैसे से, ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें YouTube के पैसे से मैंने बनाई हैं। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि पैसे तो बहुत हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं देखना है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है, मैंने जब स्टार्ट हुआ था ना तो 800 का वो बोया का माइक था, मैंने उससे स्टार्ट की थी। मेरे पास पता है, मेरे पास सिर्फ वही माइक थे एंड मैंने आईफोन लिया था ना, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग करके मैंने एक आईफोन 13 लिया था, जो कि आज के टाइम में ये जो सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी से कर रहा हूँ। तो देखो आज के टाइम में कैसे यंगस्टर जितने भी हैं वो पेरेंट्स को जाके बोलते हैं कि पापा कैमरा दिवा दा, पापा फ़ोन दिवा दा, अच्छा सा हम यूट्यूबर बने के बा। सॉरी अगर भोजपुरी समझ में नहीं आ रही हो तो, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस हैं जो कि समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको पेरेंट्स को नहीं बोलना है। हम तो स्टार्टिंग में बताया भी नहीं थे पापा को, 1 लाख हुआ था तो जब हम जाके बोले कि पापा जी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, एंड अगले 5 दिन के बाद मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया। फिर उसके बाद मतलब 1 महीने में स्टार्टिंग में जब चैनल ग्रो हो रहा था तो उस टाइम में 3 लाख सब्सक्राइबर गेन किए थे, एंड वो जो अक्टूबर के महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए। तो पापा शॉक्ड हो जाते थे कि इतना जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहा है इसका। सही बात है। तो आई होप इनकी इस पॉडकास्ट से जो इन्होंने बताया उससे आप जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनका 2-3 पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो क्लियर हो गया। पहला कि चैनल को कैसे ग्रो करना, दूसरा चैनल को बचाना कैसे है, तीसरा जो सबसे बड़ी सीख इन्होंने दिया कि खुद ये उसका दंड जो है भोग रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग भी जाके सपोर्ट करिएगा, इनके नए चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद।